हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैंने एक ओला कंपनी के स्कूटी लिया है, उसी के बारे में दिखाऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा डिटेल में कैसा इसका रिस्पांस है, कितना रेंज है, उसका दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, वीडियो पूरा देखते हैं, तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज। हम आ गए हैं ओला के शोरूम में। ये देखिए मेरी स्कूटी है ये, और इसका बूट स्पेस देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस दिया है। और ये सामने स्क्रीन है, ये मैंने पर्पल कलर का लिया है, और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिया है। ये देखिए नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ लग चुका है। गाइज, हम अपनी ओला स्कूटी को घर पर लेकर आ चुके हैं। ये देखिए घर पर खड़ी है ये अभी। देखिए इसका चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाते हैं, कहाँ से चार्ज होता है। ये देखिए, ये पीछे से इसका कैप है, ये इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे चार्जर लगता है, ये आप चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 घंटा लगेगा फुल चार्ज होने में। दोस्तों, अगर बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी से कंपेयर किया तो इसका रेंज बहुत तगड़ा हुआ है। कम से कम 150 से 160 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है, जो किसी स्कूटी नहीं मिलता है। मैक्सिमम 80-90 का रेंज मिलता है बाकी स्कूटियों में, इसमें रेंज बहुत ज़बरदस्त दिया है, और टॉप की स्पीड 120 किलोमीटर है। इसमें बेल्ट दिया गया हुआ है, ये बेल्ट चलता है, लेकिन नीचे साइड में नीचे बेल्ट दिया है ये। और इसके बैटरी की वारंटी है 5 साल, जो 5 साल तो चलेगा, 5 साल की गारंटी है पूरी। चलिए हम आपको इसके फीचर के बारे में बताते हैं। ये स्कूटी कीलेस है, ये पासवर्ड से खुलता है। इसमें देखिए मैंने पासवर्ड डाला, ये ओपन हो गया, ये पार्किंग मोड पर अभी है ये। चलिए इसका फीचर जानते हैं हम। देखिए इसका डिजिटल मीटर दिया हुआ है साइड में। अब इसमें देखिए बाकी फीचर दिखाते हैं हम आपको। इसमें GPS सब दिया हुआ, लोकेशन आप नेविगेशन लगा सकते हैं, आप कहीं भी जाना हो नेविगेशन लगा दीजिए, आप जा सकते हैं। इसमें देखिए वाईफाई, ब्लूटूथ नेविगेशन तक देखिए ये दिया हुआ है, साउंड है। और आप कहीं बाहर जा रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ताकि बैटरी ख़त्म ना हो, बैटरी बनी रहे उसी तरह। जैसे क्या होता है कि बैटरी उतर जाती है। देखिए साउंड है ये, काफ़ी अच्छे फीचर दिए, बहुत सारे फीचर है इसमें। इसमें नॉर्मल मोड है, इको मोड है, हाइपर मोड है। नॉर्मल में रेंज ज़्यादा चलेगा, स्पोर्ट में थोड़ा कम चलेगा, हाइपर में और भी कम चलेगा। बस नॉर्मल में अगर करते हैं तो कम से कम आपका 150 किलोमीटर का रेंज आएगा। इसमें सबसे खास बात है।